अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं किरण, चटपटा किचन विद किरण से। कैसे? अच्छा जी, आज मैं आपके साथ बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूं, जो कि है बहुत सिंपल भी है और बहुत मज़े की बनती है, फ्राइड राइस। चलिए जी, रेसिपी की तरफ चलते हैं। एक पैन लिया है मैंने, इसमें मैं 2 से 3 चम्मच ऑयल के डालूंगी और उसे गर्म करने के लिए रख दूंगी। जब थोड़ा सा वो गर्म हो जाएगा तो इसमें हम अंडे शामिल करेंगे। अंडों को हम लोगों ने इसमें फ्राई करना है, मतलब फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा पकाना है। अच्छा जी, अब इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। इसमें जो जो चीज़ें शामिल होंगी, 3 अदद अंडे हैं मेरे पास, जिन्हें मैंने आपको बताया है कि फेंट लिया है मैंने। उसके बाद चिली सॉस है मेरे पास 2 चम्मच, प्याज है मेरे पास 3 से 4 अदद, मतलब 3 से 4 चम्मच है। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 चम्मच, नमक है मेरे पास हसब ज़रूरत, काली मिर्च है 1 से 1.5 चम्मच, सोया सॉस है मेरे पास 2 चम्मच, उसके बाद मेरे पास ऑस्टर सॉस है, बोनलेस चिकन है 200 ग्राम, और बन गोभी को मैंने चॉप में मतलब काट लिया हुआ है वो मेरे पास 1 कप है, और गाजर है मेरे पास 1/2 कप कटी हुई, क्यूब्स में मैंने काट ली थी। राइस है मेरे पास बॉईल हुए हुए तकरीबन 300 ग्राम के करीब। ऑयल गरम हो गया है, अब मैं इसमें अंडे शामिल कर दूंगी और उन्हें पकाने के लिए रख दूंगी। चिकन फ्राइड राइस बेसिकली मोस्टली घरों में जब भी बनता है, बड़े मज़े की रेसिपी है जो कि झटपट सी बन जाती है। रेसिपी की आप जितना सिंपल रखेंगे उतनी ही मज़े की बनेगी, तो कोशिश किया करेंगे कि उसमें ज़्यादा मसाले मत ऐड करें, सिंपल से मसाले ऐड करें तो बहुत मज़े की बनती है। अंडा अब हमारा पकना शुरू हो गया है, अब मैं इसे आहिस्ता आहिस्ता ये देखिए जी, अंडा होना शुरू हो गया है। अब हम इसके छोटे छोटे पीस कर लेंगे। अच्छा जी, मैंने आपसे एक और बात करनी थी कि अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे और मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अंडे को मैंने डिश में निकाल लिया है, ठीक है। अब मैंने 2 से 3 चम्मच के करीब ऑयल लिया है और इसे हल्का सा गर्म कर लिया। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूंगी और इसे आपने ब्राउन नहीं करना ज़्यादा, बस हल्का सा लाइट सा सिर्फ बना पकाना है। जब ये लाइट सा ब्राउन मतलब हल्का सा इसका कलर चेंज हो तो आपने इसमें चिकन ऐड कर देना है। अच्छा जी, इसका कलर चेंज हो गया है, अब हम इसमें यहाँ पे चिकन ऐड कर देंगे। चिकन को आपने हल्का सा इसका चिकन का कलर चेंज करना है, मतलब लाइट सा ब्राउन कलर करना है आपने, तब तक आपने इसको भूनना है। चलें जी, चिकन का कलर हमारा चेंज होना शुरू हो गया है, अब मैं इसमें बाकी चीज़ें शामिल करूंगी। इतनी देर हम अपने जिसकी हमने मतलब एक डेकोरेशन के तौर पे हल्का हल्का सा ग्रीन अनियन का जो पिछला हिस्सा होता है वो डालना है, हम इसको चॉप कर लेते हैं। चिकन का कलर चेंज हो गया है, अब इसमें मैं बाकी चीज़ें शामिल करूंगी। इसमें मैंने प्याज शामिल किया है तकरीबन 3 से 4 चम्मच है कटा हुआ,
अच्छा जी, ये प्याज थोड़ा सा पक गया है, अब इसमें मैं बाकी मसाले ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने बंद गोभी और गाजरें डाल दी हैं, इन्हें थोड़ा सा नरम करना है हमने। ये बॉईल हुई हुई नहीं है, आप इन्हें थोड़ा सा नरम कर लें। नमक है हसबे ज़रूरत, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। वैसे मैंने एक चम्मच डाला है। काली मिर्च है तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच, वो भी टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। अगर आप ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा मिर्चें पसंद करती हैं तो आप ज़्यादा डाल दीजिएगा इसमें। आई थिंक 1 से 1.5 चम्मच काफ़ी होगा। सोया सॉस शामिल कर दिया मैंने इसमें, ऑस्टर सॉस है मेरे पास, वो मैंने शामिल कर दिया है। लास्ट में चिली सॉस है। इसे पकाएंगे हम थोड़ी देर के लिए। अच्छा जी, ये तैयार हो गया है। अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे अपने, जो मैंने पहले से बॉईल करके रखे हुए हैं। चावल मैं यहाँ पे बासमती यूज कर रही हूँ। अच्छा जी, मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगी। चावल मेरे पास जो मैं यूज़ कर रही हूँ, ये नए चावल हैं। अगर आप पुराने चावल यूज़ करना चाहते हैं वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मेरे पास नए चावल थे तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। अच्छा जी, ये चावल यहाँ पे आपने अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेने हैं। अब यहाँ पे मैं अंडा भी शामिल कर दूँगी इसमें और हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे दोबारा से। यहाँ हम गार्निशिंग के लिए ग्रीन अनियन का, जो पहले से चॉप करके रखे हुए हैं, हम इसमें शामिल करेंगे। चावल हमारे रेडी हो गए हैं, फ्राइड राइस रेडी है, अब हम इसे डिश आउट करेंगे। चलिए जी, मज़ेदार सी रेसिपी तैयार है, आई होप आपको पसंद आएगी। गार्निशिंग कंप्लीट हो गई है। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।